हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हम चैप्टर कर रहे थे सेकंड, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसकी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज की थी 1.1 कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। जो आपने 7.1 एक्सरसाइज की थी उसमें आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टीजन प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन आप कर चुके हो 2.1 एक्सरसाइज में। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन क्या होता है। दो सेट लेके चलते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन R is a subset of A cross B। रिलेशन क्या होता है? R हमारे पास रिलेशन बनेगा जब वो A cross B का सबसेट होगा। If R is a subset of A cross B, then we call A set A is related to B। ठीक है, R हमारे पास रिलेशन तब बोला जाएगा जब A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब आप A क्रॉस B कार्टिजन प्रोडक्ट में आता है। A क्रॉस B में कैसे आपके पास नंबर होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? टू एलिमेंट्स का हम एक पेयर बना के लेके चलते हैं। ठीक है, A B, हम कह रहे हैं कि ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है। देखिए, आर आपके पास सबसेट है ए क्रॉस बी का, दैट मीन्स आर में जो नंबर होंगे वो इस टाइप के होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में आपके पास नंबर कैसे होते हैं? ए क्रॉस बी ये सेट होता है एक्स वाई, या ए बी ले लीजिए, ए बी नंबर इस टाइप के नंबर होते हैं जहाँ पे ए नंबर होता है ए सेट का एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी रिलेशन में जाएगा। देन आप बोलोगे कि ए रिलेट कर रहा है बी से। एलिमेंट ए रिलेटेड टू बी कब? जब ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, हमने लिया रिलेशन लेके चलते हैं नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि एन क्रॉस एन, नेचुरल टू नेचुरल आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेशन आर फ्रॉम सेट एन टू एन, एन इज ए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और रिलेशन क्या गिवन है? एज इट्स क्यूब रूट, या एज इट्स क्यूब ले लीजिए, एज इट्स क्यूब, दैट मीन्स रिलेशन हमारा होगा एन से एन नेचुरल नंबर्स पे। तो जो सेट ए है वो आपके पास नेचुरल नंबर, सेट बी है वो भी आपके पास नेचुरल नंबर, तो रिलेशन कब डिफाइन होगा? जब आर सबसेट होगा एन क्रॉस एन का। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सम। ठीक है, तो एक सेट हमारा नेचुरल नंबर ही दे रखा है, दूसरा सेट भी नेचुरल ही है, ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5 सेम एलिमेंट चलेंगे। तो हमें बोला गया है कि जो रिलेशन बनाओगे वो होना चाहिए एज इट्स क्यूब, या ऐसा लिख लो ए, चलो ऐसे ही देख लो, यानी एन क्रॉस एन देख रहे हो, तो वन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने इसका नंबर उठाया 1 का क्यूब करती हूँ तो मेरे पास आता है 1। ठीक है, 2 का क्यूब अगर करते हैं, इसका सेकंड एलिमेंट लिया मैंने 2, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8 इस नंबर इस सेट में आ रहा है तो इस सेट में करने जाएगी 8 आएगा, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर 3 का क्यूब किया हमने, दिस इज 27। तो अगर क्यूब आपके पास ये सारे नंबर्स 1, 2, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट,
1827 belongs to this set. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1 relate कर रहा है 1 से, क्योंकि 1 का cube 1 आएगा. 2 का cube 8 आ रहा है, that means 2 relate कर रहा है 8 से. 3 का cube 27 आएगा, तो 3 relate करेगा 27 से. ऐसे ही अगर हम 4 का cube लेके चलते हैं, this is 64, 64, हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 4 related to 64. ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा कि हमें लेना है कि एड्स क्यूब, तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, आर हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा, तो रिलेशन आ जाएगा 2, 3, 4, 8, 27, 64 अब तो सोन चलता रहेगा. तो रिलेशन आपके पास बना 2, 8 के साथ रिलेट कर रहा है एक एलिमेंट, 3, 27 के साथ रिलेट कर रहा है 3, 27 एंड 4, 64 के साथ रिलेट कर रहा है 4, 64 के साथ अप टू सोन चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लेना है, तो हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं. ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब यहाँ पे कितना आएगा 125. अप टू सोन चलता रहेगा इस तरह से. ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन होता है कि आर हमारे पास ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. फिर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के आपके पास तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म और थर्ड होती है एरो डायग्राम. अब देखते हैं एग्जांपल लेके चलते हैं. एग्जांपल हमने लिया सेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है. सेट बी हमने लिया 1 से लेकर 30 ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी एंड आर रिलेशन दे रखा है हैज इट्स स्क्वायर एज फ्रॉम सेट ए टू बी. यानी कि आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है कि हम इस ए के नंबर का स्क्वायर करें, वो हमारा बी का एलिमेंट आना चाहिए. जैसे ए का नंबर सबसे पहले 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में बिलोंग कर रहे हैं, देन 1 का स्क्वायर हमने किया 1 आया. और क्या 1 बी में बिलोंग कर रहा है? जी हाँ, 1 बिलोंग कर रहा है बी में. जो आंसर आएगा वो बी में बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स 1 रिलेट टू 1. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2. 2 बिलोंग्स टू ए. 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें गिवन है हैज इट्स स्क्वायर एज, कि हम इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर करें और आंसर हमारा बी के साथ जो आएगा उससे रिलेट हो जाएगा, वो एलिमेंट बी का होना चाहिए. ठीक है, तो 2 का स्क्वायर किया, हमारे पास 4 आया. अब 4 देखो इसमें बिलोंग कर रहा है, जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर 30 तक सारे नंबर गिवन है. ठीक है, 1 से लेकर 30 तक. तो 4 हमारा बिलोंग कर रहा है सेट बी में, इम्प्लाइज दैट 2 बिलोंग करेगा 4 के साथ, रिलेट करेगा 4 के साथ. ठीक है, थर्ड नंबर इज 3 बिलोंग्स टू ए. 3 का स्क्वायर करेंगे 9. क्या 9 इसमें आ रहा है सेट बी में? जी हाँ, बी में बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स 3 रिलेट करेगा 9 से. ठीक है, देन 4 बिलोंग्स टू ए. 4 का स्क्वायर 16. 16 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, इम्प्लाइज दैट 4 रिलेट करेगा 16 के साथ. 5 बिलोंग्स टू ए. 5 का स्क्वायर करेंगे 25. 25 सेट बी में आ रहा है, इम्प्लाइज दैट 5 रिलेट करेगा 25 के साथ. नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट है 6. 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 36. 36 क्या सेट बी में है? जी नहीं, क्योंकि बी सेट में 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट है. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डजंट बिलोंग्स टू बी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर 36 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमारे पास 6 रिलेट नहीं करेगा 36 के साथ. तो रिलेशन क्या बना? 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 एंड 5 25. अब इसको लिखेंगे किस किस फॉर्म में? देखिए, रोस्टर फॉर्म होता है जब हम इसको लिखते हैं रिलेशन को इन पे एलिमेंट्स की फॉर्म में. जैसे 1 रिलेट कर रहा है, 1 रिलेट कर रहा है 1 से. हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि कौन किससे रिलेट कर रहा है. 2 रिलेट कर रहा है 4 से, 3 रिलेट 9 एंड 4 रिलेट 16, 5 रिलेट 25. तो यहाँ से हम लिख देंगे 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 4 के साथ, 3 9 एंड 4 16. इनके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे जो रिलेट करेगा दिस. ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जो कि आप सेट में भी पढ़ चुके हो कि अगर हम हर एक एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स में अनक्लोज करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, तो ये आपके पास बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, आती बात सेट बिल्डर फॉर्म की. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं एक ही नंबर से। हमने लिया एक्स वाई, एक्स किसका एलिमेंट है? अब देखिए फर्स्ट नंबर जो आ रहा है वो किसका एलिमेंट आ रहा है, सेट ए का नंबर आ रहा है, और जो सेकंड प्लेस पे नंबर है 1, 4, 9, 16 एंड 25, ये सारे बी सेट के एलिमेंट है। तो यहाँ से हम बता देंगे कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट एक्स रिप्रेजेंट करेगा ए को और वाई रिप्रेजेंट करेगा बी को। एंड रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिलेशन क्या है कि हम फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं हमारा सेकेंड नंबर आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस इज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास सेम टू सेम रिलेशन है बट ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। देन लास्ट इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम क्या करते हैं, दो आपके पास डोमेन एंड कोडोमेन, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बताते हैं अभी। हमने दो गोले बनाए, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके एलिमेंट। ये सेट ए लिया, ये हमारा सेट बी लिया। सेट ए के नंबर लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सेट बी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लंबा चलेगा यहाँ तक क्योंकि इसमें 30 एलिमेंट है। ओके, तो किस किस से रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम एरो से इसमें शो करके बताते हैं। जैसे 1, 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 को 1 के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 2, 4 के साथ कर रहा है तो 2 को 4 के साथ। 3, 9 से रिलेट हो रहा है तो यहाँ पे हमें नंबर जो है वो लेना पड़ेगा, तो जो जो रिलेट हो रहे हैं वो कर लेते हैं, आगे हम डैश लगा देंगे। जैसे हमने लगाया यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास 9 से रिलेट हो रहा है, फिर डैश लगा देंगे 16 से, फिर डैश लगा देंगे 25, और फिर लास्ट में हमारे पास 30 आएगा क्योंकि B के सारे नंबर हमें बताने हैं कि 1 से लेकर 30 तक जा रहे हैं, 30 तक जा रहे हैं हमारे पास। तो 3 किससे रिलेट हो रहा है, 9 से, 4 16 से, 5 25 से, बट 6 किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा। हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है, जो कि बी सेट में एलिमेंट है ही नहीं, लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 30 है। ओके, तो 6 किसी से रिलेट नहीं होगा। तो जो रिलेशन के एलिमेंट है, कंप्लीट एलिमेंट हमने यहाँ पे एरो डायग्राम एरो से शो कर दिए, तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट की रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं जो आप तीन टाइप से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें बताना है डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, रेंज, एंड कोडोमेन। हमने एग्जांपल लिया, ए सेट हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 7, 9, बी सेट ले लेते हैं 2, 3, 6, 8, और रिलेशन हमने बना लिया कि हमारे पास रिलेशन ये गिवन है, 1, 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 ऐसे इसको लिखेंगे 1 रिलेट टू 2, 2, 3 के साथ रिलेट कर रहा है, एंड 3, 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 7, 6 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास रिलेशन गिवन है, तो आप इसमें से डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकालिए। देखिए डोमेन क्या होता है, फर्स्ट नंबर जो आपके पास 1, 2, 3, 7, ये एलिमेंट आपके पास ए के एलिमेंट होते हैं, और जो सेकंड प्लेस पे जो नंबर होते हैं वो हमारे पास सेट बी के नंबर होते हैं, क्योंकि जो रिलेशन हम लेके चलते हैं कैसे लेके चलते हैं, एक्स वाई, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है सेट ए से एंड वाई बिलोंग करता है सेट बी से, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डोमेन की बात करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट प्लेस पे नंबर आए हुए हैं 1, 2, 3, 7, ये आपके पास होती है डोमेन। हम यहाँ पे रिलेशन में देखेंगे, सेट ए में नहीं देखेंगे। जब भी आप डोमेन बता रहे हो तो इसके जो पहले पहले नंबर होते हैं 1, 2, 3, 7, ये आपके पास होती है डोमेन, तो ये बन जाएगी 1, 2, 3, 7, ठीक है। आई सेकेंड आपके पास रेंज है, जो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट है यानी ये नंबर जो जिससे रिलेट है, डोमेन के नंबर जिससे रिलेट कर रहे हैं वो आपके पास हो जाएंगे रेंज 2, 3, 3, 6। अब 3, 2 दो टाइम आ रहा है यहाँ पे, 3 एंड 3, तो 3 अगर ट्वाइस आता है तो हम 1 टाइम काउंट करते हैं, तो 2, 3, 6, ये हो जाएगा आपके पास रेंज 2, 3, 6, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन का मतलब होता है कि जो सेट बी आपके पास आ रहा है, जैसे आप इसी सेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास सेट ए होता है, ये सेट बी होता है। फर्स्ट सेट को हम बोलते हैं डोमेन और सेकंड सेट को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो अगर आपके पास बी सेट कोडोमेन है, दैट मीन्स कोडोमेन क्या हो जाएगा, पूरा बी सेट। इसमें रेंज में और कोडोमेन में चेंज डिफरेंस क्या होता है कि सिर्फ इसमें वो नंबर लेते हैं जो पूरे सेट में आते हैं कोडोमेन में, रेंज वो होता है जो रिलेशन के अंदर जो गिवन होता है, जो एलिमेंट जैसे 2, 3, 3, 6,
सेट बी के नंबर जो रिलेटेड है सेट ए से। तो यहाँ से आ जाएगा कोडोमेन में आपके पास पूरा सेट बी आ जाएगा 2, 3, 6, 8। क्लियर। तो जैसे अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाते हैं तो 1, 2, 3, 7 किससे रिलेट कर रहे हैं, 2, 3, 6, 8 ये हमारे पास सेट भी दे रखा है। 1, 2 के सारे रिलेट कर रहे हैं 2, 3 के साथ एंड 3, 3 से एंड 7, 6 से। ठीक है, तो सिर्फ रेंज में ये तीन एलिमेंट आएंगे, जो रिलेशन में नहीं आ रहा वो रेंज में भी नहीं आएगा, ये कोडोमेन में आएगा। ठीक है, तो कोडोमेन हमारा पूरा सेट बी हो जाता है। रेंज वो होगा जो रिलेशन में आते हैं, सेकंड प्लेस पे जो नंबर आते हैं जो सेट बी के होते हैं, और फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर आते हैं वो हमारा डोमेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या आएगा, आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इफ सेट जो आपके पास रिलेशन है वो आपके पास आ जाए ए रिलेट करे ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कि जिसके अंदर जिस सेट का एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता है। अगर एग्जाम्पल से हम ए सेट ले लेते हैं 1, 2, 3 और हम कह रहे हैं कि आर आपके पास ए क्रॉस ए इसका सबसेट है, इसका मतलब सेट जो आपके पास रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट ए हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे, जब इसके नंबर खुद से रिलेट हो जाए, यानी कि रिलेशन में जो एलिमेंट आने चाहिए वो आने चाहिए हमारे पास 1, 1, 1, 1 से रिलेट होना चाहिए, 2, 2 से रिलेट होना चाहिए, 3, 3 से रिलेट होना चाहिए, ये रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल में क्या आ जाता है, देखिए आर हमारे पास जो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, यहाँ पे आर इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस ए से। इसका मतलब इसके में जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सेट ए के, सेट ए से सेट ए तक के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कंप्लीट आपके पास रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम इसका रिलेशन निकालें, यूनिवर्सल रिलेशन क्या आएगा, सेट ए टू सेट ए जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ए के जिस ऑर्डर पेयर बनाइए 1, 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1, 2 के साथ, 1, 3 देन 2, 2, 2, 2, 3 एंड 3, 1, 3, 2, 3, 3। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने आते हैं ए क्रॉस ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कैसे निकाला था हमने, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ ए, कितने एलिमेंट हैं, 3, 3 × 3 = 9। तो ए इसमें जो रिलेशन आएगा यानी ए क्रॉस ए किसके इक्वल है, ए क्रॉस ए के, जिसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट आ जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी बनेंगे सारे आ जाते हैं, वो होता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया आपके पास, तो ये बन गया यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, वर्ड रिलेशन जिसमें एक भी आपके पास एलिमेंट नहीं आता हो, आर आपके पास एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी या वर्ड जैसे बोलो, तो आपके पास वर्ड रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास रिलेशन गिवन है एक्स वाई, x बिलोंग कर रहा है सेट A से एंड y बिलोंग कर रहा है सेट B से, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिलेशन हमने लिया है फ्रॉम सेट A टू सेट B चल रहा है। ठीक है, ये जो रिलेशन हम बनाएंगे सेट A से सेट B चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू B। ओके, अगर हम इसका इनवर्स बताएं, R इनवर्स, तो ये हो जाएगा इंटरचेंज y x के साथ, x y के साथ, देन y बिलोंग करेगा सेट बी का और एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास रिलेशन क्या बना, रिलेशन बनेगा यहाँ पे फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, जैसे आपको अगर इसी का यूनिवर्सल रिलेशन का ही निकालना हो, इनवर्स निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1, 1 को इंटरचेंज करोगे यही आएगा, 1, 2 इसका हो जाएगा 2, 1, ये इसका इनवर्स निकल रहा है, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 2,
टू टू का करेंगे सेम एलिमेंट, टू थ्री से थ्री टू में चेंज हो जाएगा, वन थ्री एंड टू थ्री एंड लास्ट इज थ्री थ्री, ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। फिफ्थ रिलेशन आपके पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है, ए ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ये ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करता है दैट मीन्स एलिमेंट इट्सेल्फ रिलेट हो रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन हम कहेंगे कि जो आर रिलेशन हमारे पास बनेगा वो ए से ए का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ए ले लेते हैं वन टू थ्री एलिमेंट, और रिलेशन हमने बनाया वन वन टू टू थ्री थ्री, क्योंकि इसमें कंडीशन गिवन है कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू एवरी वन। तो वन जैसे इसके अंदर तीन एलिमेंट है तो वन वन से रिलेट होगा, टू टू से, थ्री थ्री से। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अदर देन भी हो आपके पास नंबर्स रिलेट कर सकते हैं। बट हमने आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, जो आपने आइडेंटिटी रिलेशन हमने किया अभी, आइडेंटिटी रिलेशन इसमें हमने किया था कि केवल एलिमेंट खुद से ही रिलेट होगा, वन 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 टू वन थ्री, सॉरी टू टू एंड थ्री थ्री, केवल एलिमेंट खुद से रिलेट हो सकता है, अदर देन एलिमेंट डजेंट बिलोंग्स टू रिफ्लेक्स, इस जो आपके पास है आइडेंटिटी रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव में अदर देन आ सकते हैं, आइडेंटिटी में अदर देन एलिमेंट नहीं आ सकते। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इनके अलावा एलिमेंट आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। If AB belongs to R, then BA definitely belongs to R. ए भी अगर आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा यानी बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, देन हम आर रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए हम ले लेते हैं वन टू थ्री, और हमने अभी सेट रिलेशन बनाया था, दिस इज वन टू वन थ्री। अगर आप ये रिलेशन ले रहे हो सिमेट्रिक बना रहे हो तो इसके उल्टे भी आने चाहिए, टू वन एंड थ्री वन, इस रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक। अगर वन टू बिलोंग कर रहे हैं तो टू वन भी इसके अंदर जरूर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजिटिव रिलेशन, लास्ट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें आपके पास क्या बनता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन कंडीशन आनी चाहिए कि ए और सी भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशन हम लेके चल रहे हैं वन टू ए बी, सेकेंड इज बी सी, अगर वन टू ए बी देन टू थ्री, तो वन और थ्री भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। लास्ट छोटा सा टॉपिक रहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, आर हम रिलेशन ले लेते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी, अब एन ऑफ ए दैट मीन्स ए में कितने एलिमेंट हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए हमने एलिमेंट सेट लिया वन टू थ्री का, बी सेट ले लेते हैं ए बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो एन ऑफ ए कितना है, थ्री, एन ऑफ बी इज टू। हमें निकालना है कि ए से बी तक के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, यानी आप कितने रिलेशन यहाँ पे बना सकते हो ए से बी तक के। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि हमारे पास रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर होते हैं, और ये आप पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हो। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ए इज थ्री, नंबर ऑफ बी इज टू, दिस इज सिक्स, यानी कि ए क्रॉस बी में आपके पास छः एलिमेंट आएंगे। देन हम अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है टू रेज टू पावर, यहाँ पे लगा देंगे सिक्स। ठीक है, जनरली अगर हम कहें कि नंबर ऑफ ए आपके पास एम दे रखा है एंड नंबर ऑफ बी इज एन दे रखा है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आ गया एम इन टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम
सेट ए टू बी, ये आपके पास बनेगा 2^m(n)। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे सारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन। देन हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसकी 2.2 एक्सरसाइज। तब तक के लिए ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।